देख रहे हैं न्यूज वीक है और मैं हूँ प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरुआ सागर से। जी हाँ, जहाँ बरुआ सागर स्वर्ग आश्रम झरने का तालाब समाधि का स्पॉट बन चुका है। जी हाँ, लगभग एक माह में 5 लोगों की जल समाधि ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। बीते शनिवार को तालाब में नहाने का युवक डूब गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ है बरुआ सागर से हमारे संवाददाता आनंद मोदी। जी आनंद जी, एक मामला सामने आ रहा है जिसमें युवक जो है तालाब में डूब गया है, क्या है पूरा मामला? प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, ये बरुआ सागर थाना क्षेत्र के स्वर्गाश्रम झरना का मामला है। अब इसको स्वर्गाश्रम झरना तालाब ना कहेंगे, जल समाधि स्थल कहा जाने लगा है। यहाँ के लोगों को तो ये सुसाइड पॉइंट कह लीजिए या जल समाधि पॉइंट कह लीजिए। मामला ये है कि कल बरुआ सागर सनोरा मोहल्ला का निवासी मनीष कुशवाहा, उम्र लगभग 24 वर्ष, जो तालाब पे नहाने के लिए गया था, अचानक उसका पैर फिसल गया और तालाब में चला गया। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस अधिकारी बरुआ सागर सुनील तिवारी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से काफी प्रयास किया गया, लेकिन देर शाम तक जब वो सफलता नहीं मिली तो आज सुबह से पुनः पुलिस ने प्रयास किया और गोताखोरों की मदद से उसका शव तालाब से बरामद कर लिया गया। आनंद जी, लगातार 5वीं बार ऐसी घटना जो है सामने आई है, इसका क्या कारण है? लोगों की लापरवाही है या कुछ और? प्रशासन ऐसा जो है ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, प्रशासन पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। मैंने पहले भी पिछले समाचार में भी यही बताया था, तालाब का एरिया जो है कई एकड़ का है, और जबकि पुलिस प्रशासन कोई कल देवी पे विसर्जन था, कोई सुरक्षा वहाँ पे नहीं लगाई जाती है क्या? नहीं, पुलिस व्यवस्था रहती है, लेकिन तालाब का एरिया इतना बड़ा है कि हर जगह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए नगरवासियों को जो वहाँ पे सैलानी जाते हैं उनको स्वयं सजग होने की आवश्यकता है कि जब आदमी को तैरना नहीं आता है, तालाब में जाना नहीं होता है, तो तालाब के किनारे जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद जी, उस वक्त युवक के साथ और कौन मौजूद था? उसके साथ एक साथी मौजूद था जो साथ में नहा रहा था, लेकिन जैसे वो डूबा, जब तक वो कपड़े पहनने लगा, जैसे वो डूबा उसने चिल्लाया, लेकिन जब तक वो तालाब की तलहटी में जा चुका था और उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने काफी प्रयास किया और आज उसके शव को बरामद कर दिया। जी, तो युवक के शव को जो बरामद किया गया, परिजनों को इसकी सूचना दी गई है? हाँ, पुलिस द्वारा परिजनों को तुरंत सूचना दी गई थी, परिजन मौके पे थे। उसके परिजन जो परिवार के लोग थे उनका रो के बुरा हाल था। सबसे बड़ी बात यह है कि बरुआ सागर का तालाब पिछले 4 साल में भरा, लेकिन इस बार 5 लोगों की जल समाधि होने से लोगों में काफी रोष भी व्याप्त है और लोगों में चिंता का विषय साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त आसपास की स्थिति क्या बताई जा रही है? इस वक्त आसपास की क्या स्थिति बताई जा रही है? आसपास की स्थिति कुछ नहीं, मामला पूरा शांत है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने मौके पर जाके, मौके पर पहुंच के सबसे पहले शव को गोताखोरों की मदद से निकाला, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम किया है, आगे की जो जांच होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, इस पूरी बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। ये थे हमारे बरुआ सागर से संवाददाता आनंद मोदी, जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ वीक।